मध्य प्रदेश के खंडवा के बड़ा बम क्षेत्र से खंडवा सीएसपी अरविंद तोमर और मोगर थाना टीआई संजय पाठक ने अपनी टीम के साथ बड़ा बम से इमलीपुरा क्षेत्र में पैदल मार्च निकाला। इस पैदल मार्च जो कि इमलीपुरा क्षेत्र में दुकानों के बाहर फैले अतिक्रमणकारियों को भी समझाइश दी गई। हम आपको बता दें कि मोगर थाना टीआई और खंडवा सीएसपी ने इमलीपुरा क्षेत्र में फैले अतिक्रमणकारियों को भी समझाइश देते हुए कहा कि आज हटा लीजिए, कल से नगर निगम की टीम आएगी। कौन है दुकान मालिक? कौन है? अरे दुकान किसकी है? आप मकान मालिक? मकान मालिक। ये बताओ ये शेड आगे क्यों ले लिया आपने? तो हमारी जमीन ही ये तुम्हारी कहाँ तक जमीन है? ये तुम्हारे पास है और नप्पी में नहीं निकली तो पूरा घर उड़ा दूंगा। ठीक है, कल सुबह कागज लेके आ जाना। हमारे स्टाल में सर मस्जिद की जमीन है। मैं ये तुम्हारा निजी घर है ना? ये स्टाल में हमारे मस्जिद की जमीन। ये निजी घर है ना? हाँ, वो तो निजी घर की रजिस्ट्री होगी, वो रजिस्ट्री लेके सुबह आ जाना। मैं कल पटवारी को बुला के नप्ती करा देता हूँ। फुट भर भी इंच भर भी ज़्यादा होगी तो घर भी उड़वा दूंगा। सुन लिया मैंने? सुन लिया। ये आपकी नहीं है, ये आपकी नहीं है, इस पर आप शेड नहीं बना सकते। ठीक है, वो पार्किंग के लिए, लोगों की गाड़ी पार्क करने के लिए। आपके पास जो कागज है लेते आना, फिर मैं वक्फ बोर्ड से भी बात कर लूँगा। ऐसा नहीं हो कि कल वक्फ बोर्ड आप पे चढ़ाई कर दे, क्योंकि जब मैं बत्ती उसको दूंगा तो वो आप पे चढ़ाई करेगा। ये शर्ट हटा लेना याद से और सुबह ले आना। जी सर। हटा लेना है सारा ताम झाम, वरना वो नगर निगम वाले आएंगे वो उठा ले जाएंगे और देंगे नहीं वापस। राजनीति चलेगी। हटो, अंदर करो सब। शिवाजी चौक बगीचे के सामने मार्केट में कई वर्षों से रखी पुरानी गाड़ियां जिनका कोई अभी तक आता पता नहीं है, जब पुलिस वहां पर पहुंची और गैरेज वाले से बात की तो वे बोला कि यहां ये गाड़ियां सुधरने के लिए आई है। पुलिस ने इसकी फोटो खींच कर इसके कागज बुलवाए गए। हम आपको बता दें कि ये गाड़ियां कई वर्षों से इस गोडाउन में पड़ी हुई है जिसके कोई अते पते नहीं है, ना तो नंबर प्लेट है और ना ही इसके कोई कागज़ है।